वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी कुकिंग विद इज्मा। आज हम बनाएंगे ब्रेड कॉइंस। ये बची हुई सब्जी से बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी होगा और झटपट से बन जाने वाले टी टाइम स्नैक है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मेरी सूखी आलू की सब्जी बची हुई थी, तो मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास गीली वाली है तो पहले आप इसको पैन में अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे मैश कीजिएगा। ये मैंने मैश कर लिया है। अब हम लेंगे कुछ ब्रेड की स्लाइसेस और इसे सर्कल शेप में हम कट कर लेंगे। या मैं ग्लास के हेल्प से कट कर रही हूँ, आप कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ब्रेड्स कट कर लिए। और यहाँ पे मैं एक कप में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें वाटर ऐड करके एक स्लरी बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मिक्स कर लेंगे। हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने एक ब्रेड की स्लाइस ली है, उस पर हम पहले अपनी मिक्सचर, वो आलू वाला मिक्सचर इसमें अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छे से उसे लगाएंगे। सारे ब्रेड पे हम पहले आलू के मिक्सचर लगा देंगे, उसके बाद हम आलू जो है उसको हम कॉर्नफ्लावर वाले स्लरी से अच्छे से कवर कर लेंगे। और उसे हम सफ़ेद तिल लिया है यहाँ पे, उससे हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। ऐसे ही मैं और सारे ब्रेड्स में भी पहले कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर से उसे अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। ऐसे ही मैंने और सारी ब्रेड्स को भी ऐसे ही कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। और अब हम इस पे जिस साइड पे हमारी सब्जी है उस साइड से हम इसे पहले फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाती है। नीचे से जब हम अच्छे से फ्राई हो जाएगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तब हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, हम इसे फ्लिप कर देंगे और नीचे से भी हल्का सा फ्राई होने तक इसे छोड़ देंगे। ये देखिए नीचे से इतना अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। पहले हम इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से इसका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखा आपने ये कितनी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही इजी है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।